हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एसके नवरंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाऊंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल कैसे सेट करते हैं। कस्टम यूआरएल सेट करने के लिए आपको क्रोम के ऐप में ओपन करना है, सर्च इंजन पे youtube.com सर्च करना है। उसके बाद अपने आईडी को साइन इन करके डेस्कटॉप वर्जन में क्लिक करना है। लोडिंग लेकर ओपन होगा आपका यूट्यूब चैनल। कस्टमाइज योर चैनल पर क्लिक कीजिए। भाई नहीं तेरा लहंगा तेरी ड्रेस ते तेरा कुक बेसिक इन्फो पर क्लिक कीजिए। सेट कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल के नाम को सिलेक्ट कीजिए। कस्टम यूआरएल सेट होने के बाद उसे आप पब्लिक कर दीजिए कंफर्म पर क्लिक करके। उसके बाद आपका सेव हो जाएगा। कस्टम यूआरएल सेट करने के लिए आपके चैनल पर कुछ गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, जैसे कि आपका चैनल 30 डेज से ऊपर होना चाहिए, 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए, आपके बैनर लगा होना चाहिए आपके चैनल पर, और लोगो लगा होना चाहिए आपके चैनल पर। यही गाइडलाइन है जिसके पालन करने के बाद आपको कस्टम यूआरएल का फीचर मिल जाएगा, जिससे आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको जो आपकी यूट्यूब चैनल का नाम है वो दिखेगा। देखिए, मैं अपने चैनल को सर्च करके गूगल पर दिखाता हूँ। गूगल पर सर्च करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के नाम को, देखिए गूगल दिखा देगा। इसी फीचर के कारण यह पॉसिबल है। या किसी को शेयर करेंगे तब भी आप youtube.com/skenewrang लिखेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल शेयर हो जाएगा। थैंक यू आज के वीडियो के लिए।